हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जय श्री टेलीकॉम। कैसे हैं दोस्तों? फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए जेब्रोनिस का ब्लूटूथ हेडफोन है उसका अनबॉक्सिंग और रिव्यू लेकर आए हैं। तो फ्रेंड्स, ये ब्लूटूथ हेडफोन के बारे में पूरी जानकारी के लिए ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल जय श्री टेलीकॉम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लीजिए। तो आइए दोस्तों, आपको हम दिखाते हैं ये हेडफोन के बारे में जानकारी। फ्रेंड्स, ये जेब्रोनिक्स ब्रांड का ब्लूटूथ हेडफोन। जेब्रोनिक्स ब्रांड जो वेल नाउन ब्रांड है इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में, जो काफ़ी सारे हेडफोन्स है, ब्लूटूथ स्पीकर्स है, साउंड सिस्टम है, कंप्यूटर एसेसरीज बनाती है। तो उसका ये है ब्लूटूथ हेडफोन जिसका नाम है जेब्रोनिक्स थंडर ब्लूटूथ हेडफोन। पहले हम आपको इसके बॉक्स के बारे में थोड़ी जानकारी देते हैं, बॉक्स के ऊपर इसके क्या क्या डिटेल्स आते हैं, टेक्निकल्स। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ये ब्लूटूथ हेडफोन तीन कलर में आता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ब्लैक, ब्राउन और ब्लू। तो अभी हमारे पास ये ब्लू कलर का पीस अवेलेबल है अनबॉक्सिंग के लिए, उसका हम आपको अभी डेमो देने वाले हैं। और बॉक्स में क्या क्या आता है तो देखते हैं। एक हेडफोन आता है, एक चार्जिंग केबल आता है, एक ऑक्स केबल आता है और एक यूजर मैनुअल आता है, जो कि उसमें डिटेल दी हुई थी कि हाउ टू यूज दिस हेडफोन। और यहाँ पे इम्पोर्टेड एंड मार्केटेड बाई जेब्रोनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी का एड्रेस लिखा हुआ है, मंथ एंड ईयर ऑफ इम्पोर्ट, एंड यहाँ पे इसकी एमआरपी लिखी हुई है 1399 रुपये, यानी कि 1399 रुपीज़। ये जो एमआरपी है, लेकिन ये आपको मार्केट में डिस्काउंट रेट में इजीली अवेलेबल है। और यहाँ पे इसकी फैसिलिटी के बारे में बात करें तो इसमें है ब्लूटूथ वर्जन 4.2, इसमें ऑक्स इनपुट फैसिलिटी भी है, इसमें माइक्रो एसडी कार्ड भी सपोर्टेड है अप टू 32 GB, इसमें एफएम रेडियो भी है इनबिल्ट, इसमें कॉल फंक्शन भी है, यानी कि इसमें ब्लूटूथ कनेक्ट करने के बाद आप इसमें फोन भी रिसीव कर सकते हैं और उसमें बात भी कर सकते हैं। इसमें है वॉइस असिस्टेंट सपोर्ट भी है, यानी कि इसका जो कॉल फंक्शन का जो बटन होता है उसको आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आपको गूगल वॉइस असिस्टेंट का भी फैसिलिटी को आप यूज कर सकते हैं। इसमें ड्यूअल पेयरिंग है, यानी कि ये हेडफोन आप दो मोबाइल में एट ए टाइम कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें बिल्ट इन रिचार्जेबल बैटरी है, जो कि आप ये हेडफोन के अंदर ही चार्ज होती है विथ चार्जर, चार्जर के साथ। इसमें 40 mm ड्राइवर्स, यानी कि इनके जो ईयरबड्स के जो साइज है स्पीकर की इनबिल्ट, जहाँ से आवाज़ निकलती है वो 40 mm ड्राइवर्स है इसमें। और इसमें सॉफ्ट कुशन है, ओवर ईयर कुशन है, यानी कि ये काफ़ी बड़े वाले ओवर ईयर कुशन है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। बॉक्स पे भी तीनों कलर दिखाए हुए हैं, और बॉक्स की ये साइड पे ऋतिक रोशन सर जी का फोटो है, जो कि हमारे इंडियन सेलिब्रिटीज है, और ये जेब्रोनिस के ब्रांड एम्बेसडर भी है। और यहाँ पे देखिए ओवर ईयर इसके कुशन है काफी बिग साइज के। तो आइए दोस्तों, आज हम इसको खोल के आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बॉक्स में आपको एक ऐसा पैकिंग मिल जाएगा जिसके अंदर हेडफोन रखा हुआ है। तो हम पहले चेक करते हैं केबल्स कौन कौन से आते हैं साथ में। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके साथ आता है ऑक्स केबल 3.5 to 3.5 ऑक्स टाइप केबल, नॉर्मल सा केबल है ये, इसकी लेंथ अप्रोक्स 1 मीटर है। और इसके साथ आपको एक चार्जिंग केबल भी मिल जाता है, जो नॉर्मल वाला V8 स्मार्टफोन का चार्जिंग केबल है, इसकी लेंथ थोड़ी छोटी आती है। और इसके साथ आपको मिल जाता है यूजर मैनुअल भी, जो कि इस हेडफोन के बारे में थोड़ी टेक्निकल इसमें इंफॉर्मेशन दी हुई है, कहाँ से कौन से बटन से कौन से फंक्शन, लेकिन आपको यूजर मैनुअल देखने की जरूरत नहीं, ये वीडियो हम आपको सभी फंक्शन दिखाने वाले हैं आज। और ये फाइनली हेडफोन यूनिट, ठीक है। देखिए दोस्तों, इस टाइप का ये हेडफोन आता है, काफी अट्रैक्टिव लुक बनाया है और ये काफी लाइट वेट भी बनाया है, आपको एकदम हल्का फुल्का सा लगेगा ये हेडफोन। इसको आप ओवरहेड पहनेंगे तो आपको कुछ इसका वजन ज्यादा नहीं लगने वाला है। तो अभी हम यहाँ से आपका इसका सब इन्फॉर्मेशन देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके कुशन के बारे में बात कर ले तो यहाँ पे सॉफ्ट कुशन दी गए है, जो आपके हेड के ऊपर काफी कंफर्टेबली बैठ जाएंगे और आपको इसका हार्ड भी नहीं लगेगा ये कुशन। और यहाँ पे भी ये जो दोनों साइड का लेफ्ट राइट का जो ओवर कुशन है ये भी एकदम सॉफ्ट है, काफी अच्छी बिल्ड क्वालिटी का बनाया हुआ है। और उसके अंदर नेट है, यहाँ पे स्पीकर से आवाज आती है, देखिए एकदम वेल क्वालिटी, एकदम प्योर लेदर का ये कुशन बनाया है, काफी अच्छी क्वालिटी का बनाया है कंपनी ने। और अभी इसके साइज के बारे में बात कर ले तो अभी ये स्टैंडर्ड साइज में है, लेकिन आप इसको एक्सपांड कर सकते हैं एज पर योर हेड साइज। देखिए यहाँ पे ये दिया गया है एक्सटेंशन रोड, इसको आप ऐसे खींचेंगे तो यहाँ से एक्सटेंड साइज आप कर सकते हैं, दोनों साइड से ये हो जाएगा। ठीक
ठीक है। तो अभी ये मैंने एक्सटेंड कर दिया, तो ये एक्सटेंडेबल है, और इसको अगर आप छोटे साइज करनी है छोटे बच्चों के लिए तो इसको आप सिर से अंदर डाल दीजिए, तो ये एडजस्टेबल है, लॉक टाइप है, ठीक है। तो ये स्मॉल साइज हो गया। अब बात करते हैं इसके फंक्शंस के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे दिया गया है पावर ऑन का बटन। देखिए ये इसको आप लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो ये जबरन इसके ब्लूटूथ पावर ऑन होगा, और जब भी आपको पावर ऑफ करना है तो यही बटन को आपको लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो ये पावर ऑफ भी यहीं से होगा। एज वेल एज यही बटन से आपका प्ले पॉज भी होगा सॉन्ग सुन रहे तब, और एज वेल एज जब आप इसमें कॉल रिसीव करते हैं तो यही बटन से आपको कॉल रिसीव करना है, और यहाँ से भी कॉल डिसकनेक्ट हो जाएगा। और गूगल वॉइस असिस्टेंट का फंक्शन भी आप यहीं से यूज कर सकते हैं। अब इसके बारे में बात करते हैं साइड बटन्स के बारे में। तो यहाँ पे देखिए आपको तीन बटन देखने को मिलते हैं, ये सेंटर वाला प्ले पॉज, और ये वाला रिवर्स, और ये फॉरवर्ड, ठीक है। इस जब भी आप म्यूजिक सुनते हैं तो इसमें रिवर्स फॉरवर्ड का फंक्शन यहीं से काम करेगा, और ये प्ले पॉज का बटन है। और एज वेल एज यही बटन से आप इसमें वॉल्यूम भी बढ़ा सकते हो और घटा भी सकते हैं, यानी कि ये जो प्लस वाला बटन है उसको आप ऐसे सिंगल टाइम क्लिक करते जाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, ये माइनस वाला बटन है एज वेल एज इसको आप ऐसे क्लिक करते जाएंगे तो ये वॉल्यूम कम होता जाएगा। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स माइक्रो एसडी कार्ड का भी स्लॉट दिया है, इसमें माइक्रो एसडी कार्ड अप टू 32 GB सपोर्टेड है। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी वेल बिल्ड क्वालिटी का बनाया हुआ हेडफोन है, और हमने इसका ऑडियो भी टेस्ट किया है काफ़ी सारे सॉन्ग सुन के, क्लासिक सॉन्ग सुन के भी और रॉक म्यूजिक सॉन्ग सुन के भी हमने इसका ऑडियो टेस्ट किया है। तो काफ़ी अच्छा बास सिस्टम है इसका, इसमें कोई आप एक्शन मूवी देख रहे तो आपको काफ़ी एंटरटेनिंग लगेगा ये हेडफोन, यानी कि आप सिनेमा हॉल में बैठे हो इसका आपको फीलिंग होगा ये हेडफोन यूज़ करते वक्त। और अभी इसके बारे में बात कर ले और फंक्शन के बारे में, तो यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट दिया हुआ है V8 सा नॉर्मल चार्जिंग सॉकेट है, फीमेल सॉकेट है यहाँ पे। यहाँ पे आपका चार्जिंग केबल लगेगा, और जब भी आप चार्जिंग केबल यहाँ पे लगाएंगे चार्जर ऑन करेंगे तो यहाँ पे एक छोटा सा होल दिया है, यहाँ पे इंडिकेशन ग्लो होगा रेड कलर का कि वो दिखाएगा कि आपका हेडफोन चार्ज हो रहा है। जब भी ये हेडफोन फुल चार्ज हो जाएगा ये इसको चार्जिंग में अप्रोक्स 1.5 आवर लगते हैं, और जब भी ये चार्ज हो जाएगा तो ये इंडिकेशन ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, तो आप इसको चार्जिंग में से निकाल लीजिए। मेरा एक सजेशन है दोस्तों, आप काई ऑलवेज रिमेंबर दैट कि ये हेडफोन या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स ब्लूटूथ हेडफोन हो, आपका स्पीकर हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट हो, आपको इसको ओवरनाइट चार्ज में कभी मत रखिए, कि माने कि रात को रख दिया सुबह उठ के ले लेंगे, ऐसा कभी भी मत कीजिए, उससे आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस डैमेज हो सकती है। और यहाँ पे एक 3.5 mm का ऑडियो जैक भी दिया है फीमेल, यहाँ पे आपकी ऑक्स केबल लगेगी। तो फ्रेंड्स इसमें इनबिल्ट बैटरी आती है, ये टोटल वायरलेस कनेक्ट होगा आपसे मोबाइल से, लेकिन इनकेस अगर इसकी बैटरी आप मूवी देख रहे हो इसकी बैटरी ड्रेन हो गई यानी कि लो हो गई, और अभी आपको ये हेडफोन यूज़ करना है तो आप यहाँ से नॉर्मल ऑक्स केबल लगा के एज ए वायर्ड हेडफोन वायर वाले हेडफोन की तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये फंक्शन भी काफ़ी अच्छा लगा मुझे, काफ़ी यूज़फुल फंक्शन है, और ये आप नॉर्मल केबल की तरह आपके लैपटॉप या पीसी में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा फंक्शन लगा मुझे। और फ्रेंड्स इसकी हमने कॉल क्वालिटी भी चेक की है, टू वे कॉल क्वालिटी भी ये हेडफोन की काफ़ी अच्छी आती है, एज वेल एज इसका म्यूजिक भी काफ़ी अच्छा है। अगर आप ये हेडफोन खरीदना चाहते हैं तो ये आप जरूर से खरीद सकते हैं, मार्केट में काफ़ी सारे ब्रांडेड कंपनी के हेडफोन्स आते हैं, उसी तरह ये जेब्रोनिस भी अच्छी ब्रांड है, वेल नोन ब्रांड है, आप अगर चाहे तो ये हेडफोन परचेस कर सकते हैं मार्केट्स के लिए। और इसके बैटरी बैकअप की बात करें, एक जैसे कि आपने इसको वन टाइम फुल चार्ज कर लिया उसके बाद इसकी बैटरी आपको 9 to 10 आवर्स मिलेगी मीडियम वॉल्यूम पे, जो कि काफ़ी अच्छा बैकअप हम बोल सकते हैं। तो आपको ये बैटरी बैकअप भी अच्छा देने वाला है, और इसमें लाइट वेट रिचार्जेबल बैटरी आती है, इसकी वजह से काफ़ी ये हेडफोन भी लाइट वेट है और काफ़ी लुक भी अट्रैक्टिव बनाया हुआ है कंपनी ने। तो कैसा लगा दोस्तों हमारा आज का ये रिव्यू ये हेडफोन के बारे में, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और भी कई तरह के हेडफोन्स मार्केट में आते हैं उसके बारे में अगर आपको कुछ टेक्निकल क्वेरी है या जानकारी चाहते हैं आप जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।